वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। आम आदमी पार्टी ने सभी आशंकाओं और कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए अपने सीएम उम्मीदवार भगवंत मान के लिए विधानसभा सीट की घोषणा कर दी है। भगवंत मान संगरूर की धुरी विधानसभा सीट से अपना चुनाव लड़ेंगे और यहीं से वो इस चुनावों में पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ में हुई एक मीटिंग में ये घोषणा की और साथ ही कहा कि भगवंत मान के ऊपर संगरूर की जनता ने काफी ज्यादा भरोसा जताया है। अगर पिछले दो लोकसभा चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो राघव चड्ढा की बात कहीं ना कहीं सही प्रतीत होती है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनावों में भगवंत मान ने करीब 30,000 से भी ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। वहीं जब उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा तो उनके वोटों की का जो मार्जिन था जीत का वो 1,00,000 से भी ज्यादा वोटों का था। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि संगरूर कहीं ना कहीं भगवंत मान का राजनीतिक गढ़ कहा जा सकता है। भगवंत मान ने इस बारे में अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संगरूर की जनता ने हर समय मुझे अपना प्यार दिया है, अपना भरोसा मुझे जताया, अपना भरोसा मुझ पर जताया है और मैं इस भरोसे पे पूरी तरह से खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अब वो धुरी में ही एक किराए का कमरा ले लेंगे और वहीं से धुरी के लोगों से कॉन्टेक्ट करते रहेंगे, उनके हाल चाल जानते रहेंगे और उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। अब अगर इस पूरी सीट का प्रोफाइल देखें तो ये सीट अभी भी भगवंत मान के लिए पूरी तरह से सेफ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के ही दलवीर सिंह गोडी जी ने यहां पे जीत दर्ज की थी। दलवीर सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आप कैंडिडेट को जसवीर सिंह जस्सी को करीब 3,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं इस पे अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, जब ये बीजेपी के लिए भी काफी बड़ा सवाल होगा कि यहाँ पे किस कैंडिडेट को उतारा जाए। वहीं जो तीसरी बड़ी पार्टी है वो है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल ने प्रकाश चंद्र गर्ग को इस सीट पर से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा एक और यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में जो प्लेयर है वो है संयुक्त समाज मोर्चा, जिसने इस सीट पर सरबजीत सिंह पर भरोसा जताया है। खैर, अब अगर इस सीट की बात करें और इस पूरे संगरूर की बात करें तो संगरूर में कहीं ना कहीं भगवंत मान का अच्छा खासा प्रभुत्व नजर आता है। भगवंत मान के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी इस वजह से भी है क्योंकि उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाया गया है। इस बात का अंदाजा भगवंत मान को भी है। भगवंत मान ने अपने स्टेटमेंट में ही कहा है कि मैं न सिर्फ धुरी की जनता का विश्वास जीतना चाहता हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि पूरा पंजाब मुझे अब मुझ पर अपना भरोसा जताए, मुझे अपना प्यार दे। वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये जो पूरा का पूरा पंजाब है, इसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के वेलफेयर पॉलिसीज को, अरविंद केजरीवाल की सच्चाई और ईमानदारी से किए हुए कार्यों को अपना समर्थन दिया है और भगवंत मान भी चूंकि एक सही कैंडिडेट है, सही प्रत्याशी है, तो उन्हें उम्मीद है कि भगवंत मान के ऊपर भी अपना भरोसा दिखाएगी। खैर, ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस के पास सिटिंग एमएलए हैं तो दूसरी तरफ भगवंत मान जो कि सिटिंग एमपी हैं। अब मुकाबले का रिजल्ट क्या आता है ये खैर देखने वाली बात होगी। आपको इस सीट की गणित के बारे में, सियासी हवा के बारे में क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि धुरी की जनता किसे चुनेगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए और पंजाब विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ अन्य विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खास और जरूरी अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।